पिछले क्लास हम लोग आईसी मैथ्स में प्रॉपर्टीज देख रहे थे, डिफरेंशियल वगैरह ना, उसमें नीचे आपका कुछ रह गया था उसमें देख करके लिख लेंगे अच्छे तरीके से, वीडियो को पॉज करके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपके आपका 11th क्लास में सब फार्मूला पढ़ना था, ओके। इसका थोड़ा सा प्रयोग है, यहाँ पे उपयोग करेंगे हम लोग इसको, तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर दिया जा रहा है कि लिमिट ऑफ थीटा टैन जीरो साइन थीटा बाय थीटा कितना 1 होता है, लिमिट ऑफ थीटा टैन जीरो कॉस थीटा कितना होता है 1 होता है, लिमिट ऑफ थीटा टैन जीरो टैन थीटा बाय थीटा कितना होता है 1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। लिमिट ऑफ थीटा टैन जीरो थीटा इंटू साइन 1 बाय थीटा, इसको पता है क्या करता है लोग, इसको लोग क्या करता है कि लिमिट ऑफ थीटा टैन टू जीरो थीटा इंटू साइन 1 बाय थीटा को क्या करता है, समझ लो, इसको 1 बाय थीटा करता है, थीटा ऊपर हो जाएगा, बात सही है, यहाँ तक सही है, ओके। तो इसको समझता है कि लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन टू थीटा के फॉर्म में हो गया, और इसको क्या करता है 1 करता है, जो कि क्या है, गलत है, बिल्कुल गलत है, समझ रहा है, क्योंकि 1 बाय थीटा करता है, थीटा नीचे में आएगा डिफाइन ही नहीं कर पाएगा, थीटा जब नीचे में आएगा डिफाइन नहीं कर पाएगा, इसलिए ऐसा करके लोग जो 1 लिखते हैं बिल्कुल गलत है, ठीक है, इसलिए आप इसको समझ लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो लिमिट ऑफ थीटा टैन जीरो साइन 1 बाय थीटा, तो लिमिट ऑफ थीटा टैन जीरो थीटा इंटू ए फाइनाइट क्वांटिटी, तभी होगा जब इसके साथ थीटा लगा रहेगा, साइन 1 बाय थीटा के साथ कुछ लगा रहेगा, यहाँ पर थीटा स्क्वायर है, थीटा इस तरह का रहेगा, तो लिमिट ऑफ थीटा टैन जीरो थीटा के जगह कितना रख दिया हम लोग 0, तो 0 इंटू ए फाइनाइट क्वांटिटी, और 0 से किसी भी संख्या में आप मल्टीपल करेंगे क्या लगा 0। उसी प्रकार से लिमिट ऑफ थीटा टैन जीरो थीटा इंटू कॉस 1 बाय थीटा भी कितना आएगा, इसी प्रकार से 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा। और यहाँ देखो लिमिट ऑफ थीटा टैन जीरो साइन 1 बाय थीटा, या थीटा के जगह 0 रख देगा तो साइन इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, संभव नहीं, इसीलिए वहाँ पर बोला है। इसके साथ अगर अकेला रहा, अगर ये सिंगल रहा, डज नॉट एग्जिस्ट, इसके साथ थीटा आ गया या थीटा स्क्वायर या थीटा क्यूब, तब एग्जिस्ट करेगा, तो फाइनाइट क्वांटिटी के साथ ही एग्जिस्ट करेगा, ओके। और लिमिट ऑफ थीटा टैन जीरो कॉस 1 बाय थीटा इक्वल टू क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसको नोट्स कीजिए, ओके। अब हम लोग प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। प्रॉब्लम्स में ये क्या है, टाइप 1 चल रहा है हम लोग का, कौन सा टाइप 1, ओके। टाइप 1 में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है एग्जामिन द कंटिन्यूटी, पहला एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 एट एक्स इक्वल टू कितना पे 1 पे, और दूसरा क्या है एफ एक्स इक्वल टू 5x - 3 एट एक्स इक्वल टू 0 - 3 और 5, तीन पॉइंट पर यहाँ पर करना है। द गिवन फंक्शन इज, द गिवन फंक्शन एच कितना है, एफ एक्स इक्वल टू 2x + इसको एक बार 1 - हमको वी हैव टू टेस्ट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू, वी हैव टू टेस्ट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1 पे। इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, कैसे, इसमें दो तरीके से फंक्शन पढ़े थे, एक बार पढ़े थे हम लोग क्या, एक में पढ़े थे डायरेक्टली मतलब इसको डिफाइन करके निकालते थे, और सेकेंड में पढ़े थे कि एल एच लिमिट आर एच लिमिट और फंक्शनल वैल्यू, ये एक ही ये फंक्शन, समझना यहाँ पर, ध्यान समझना यहाँ पर, समझने वाली बात है, अगर फंक्शन एक ही स्टेप में डिवाइड है, फंक्शन क्या है एक ही स्टेप में डिफाइंड है, तो जो पहला आपको डिफिनेशन बताया गया है उस पर कर सकते हैं, ठीक है। अगर फंक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में डिफाइंड है तो उसको हम एल एच लिमिट और आर एच लिमिट बनाएंगे, ओके। अब यहाँ फंक्शन क्या है एक ही स्टेप में, एक बराबर कितना है 2x + 3, ऐसा नहीं है कि एक से छोटा है एक से बड़ा पर डिफाइंड है, अगर फंक्शन अदर वैल्यू पर मतलब अदर जो है दो तीन स्टेप में डिफाइंड हो तब हम लोग एल एच लिमिट आर एच लिमिट बनाएंगे, और नहीं इस तरीके से है तो फर्स्ट वाले डेफिनेशन बनाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि सेकेंड वाले डेफिनेशन पर नहीं बनेगा क्या, बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फर्स्ट वाले डेफिनेशन भी बना सकते हैं और सेकेंड वाले पर भी बना सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाले पर क्या होगा थोड़ा इजी हो जाएगा, ओके। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ लोग एपेक्स क्या है, एपेक्स इज डिफाइंड, सबसे पहला कंडीशन है एपेक्स इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 1 पर, 1 पर क्या डिफाइंड है, फिर दूसरा कंडीशन क्या करते हैं हम लोग, यहाँ क्लियरली दूसरा था लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, लिमिट ऑफ
कितना है x टाइम्स टू वन, वन पर चेक करना है एफ एक्स, इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग, निकालो लिमिट ऑफ x टाइम्स टू वन एफ एक्स का वैल्यू कितना है 2x प्लस 3, ओके। अब यहाँ पर लिमिट बैठा सकते हैं, लिमिट कब नहीं बैठाते हैं, लिमिट आप कब नहीं पुट कर सकते हैं, जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है, वो फर्स्ट में आपको पता है 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बताया गया था, ओके, उसको याद रखना है। यहाँ लिमिट आराम से बैठा सकते हैं, एक्स की जगह 1 प्लस 3, ये वाला 1, ठीक है, कितना आ गया, इसलिए लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू 5, इसको सेकेंड मान लेंगे। एंड फंक्शन ऑफ क्या निकालेंगे, फंक्शन ऑफ 1 हो जाएगा 2 इंटू फंक्शन ऑफ 1, कहाँ से जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1 रख देना है, ओके, 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी कितना है, कितना मान लेंगे सर, डिफरेंशियल एफ एक्स था यहाँ पर ये था बराबर आ गया, वी सोच दैट विच सोच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस कितना पे एट एक्स इक्वल टू 1 पे, इसको नोट्स कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे समझना एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वेन एक्स लेस देन जीरो, रहा है कि एक्स है जब एक्स जीरो से बड़ा है, रहा है जीरो है जब एक्स क्या है जीरो। ये थोड़ा देर पहले आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि अगर फंक्शन एक ही स्टेप में डिफाइंड है तो पहला डेफिनेशन यूज करेंगे, ज़्यादा इजी पड़ेगा, और फंक्शन डिफरेंट आपको तरीके से डिफाइंड से एक स्टेप दो स्टेप तीन स्टेप में फंक्शन डिफाइंड है ना, डिफाइंड तीन स्टेप में डिफाइंड है, और तीन स्टेप में जब डिफाइंड है तो इसको एल एस लिमिट आर एस लिमिट और फंक्शन वैल्यू निकालेंगे तब जाके अच्छा रहेगा, ठीक है, तो यही बोला जाता है आपको। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड बाय, ठीक है, द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स, कब जब एक्स जीरो छोटा है तब माइनस एक्स वाली, एक्स है कब जब एक्स जीरो से बड़ा है, जीरो कब जब एक्स क्या है जीरो के बराबर है, वी हैव टू टेस्ट, वी हैव टू टेस्ट द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एक्स इक्वल टू कितना पे जीरो पे, समझना है आप यहाँ तो क्या करते हैं, फॉर दिस, फॉर दिस निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे एल एच लिमिट निकालते हैं, अब यहीं से स्टार्ट हो गया तुम्हारा, एल एच लिमिट ऑफ एफ एक्स कितना पे निकालना है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, ओके। तो क्या होता है डेफिनेशन बताया तो जीरो पे निकालना, तो लिमिट ऑफ ध्यान देना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है एस टेंड टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो माइनस एच कितना पर निकाला जीरो पर, अगर वन पर निकाला तो वन माइनस एच, टू पर निकाला टू माइनस एच, थ्री पर थ्री माइनस जीरो पर निकाला जीरो माइनस। अब यहाँ पे मेन समझना है, यहाँ पे समझना है क्या समझना है, जीरो माइनस एच है तो जीरो में से क्या हो रहा है कुछ घट रहा है ना, और जीरो में से कुछ भी घटेगा तो जीरो से छोटा होगा कि बड़ा, जीरो से क्या होगा छोटा, जैसे वन में से मान लो कि 0.5 घट रहा है तो कितना आएगा 0.5, वन में से कुछ भी घटा देगा तो वन से क्या आने वाला है छोटा, उसी प्रकार जीरो में से कुछ भी घटा देगा तो क्या आने वाला है जीरो से छोटा, मतलब रहा है तो ये ऐसा क्यों, इस पर इसलिए जोर दिया रहा है कि जीरो से छोटा के लिए माइनस एक्स है, जीरो से बड़ा के लिए एक्स है, और जीरो से बराबर के लिए क्या है, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन करेगा, ये वाला डिफाइन कर रहा है मेरा, जीरो से छोटा ना आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या आ रहा है जीरो से छोटा आ रहा है, इसलिए कौन सा डिफाइन करेगा ये वाला, मतलब अलग अलग स्टेप में डिफाइन है तो अलग अलग, तो हमको ये बात समझ आ गया कि इसके लिए हमको कौन सा फंक्शन डिफाइन करेगा, तो पहला, ओके, लिमिट ऑफ एच टेंड टू जीरो, यहाँ पर क्या करेंगे फंक्शन ऑफ जीरो में से एच क्या कितना माइनस एच, इधर लिमिट ऑफ एच टेंड टू जीरो, इसके लिए कौन सा डिफाइन था ये था, तो पहले क्या लगा इसमें, पहले क्या है माइनस, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे माइनस एच, पहले ही से माइनस था, और जहाँ एक्स है जैसे एफ एक्स बराबर कितना है माइनस एक्स,
तो एक्स की जगह क्या आ गया, एक्स की जगह माइनस एच, एक्स की जगह माइनस एच और पहले ही माइनस था, अब एच की जगह जीरो तो कितना हो जाएगा, कुल मिला के जीरो हो जाएगा, समझा, इसको वन मान लेंगे। उसी प्रकार से आर एच लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू कितना पे, तो आर एच लिमिट क्या होता है, लिमिट ऑफ एफ टेन टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो प्लस एच। अब यहाँ जीरो में कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं जोड़ रहे हैं, पॉजिटिव जोड़ रहे हैं, वन में कुछ भी जोड़ेंगे तो वन से क्या होगा, बड़ा, तो जीरो से क्या है, बड़ा, जीरो से बड़ा कि कौन है, ये तो है नहीं, कौन सा है, सेकेंड वाला। यही समझ में आना चाहिए कि अगर दो से तीन स्टेप में डिफाइन है तो एल एच लिमिट आर एच लिमिट बहुत स्टार्टर होता है, तो लिमिट ऑफ एच टेन टू जीरो फंक्शन ऑफ एच, इसके लिए कौन सा है, जीरो से बड़ा के लिए कौन, माइनस एक्स ले सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि जीरो से छोटा के लिए है और मेरे यहाँ फंक्शन किसके लिए आ रहा है, जीरो से बड़ा के लिए, तो ये ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, क्यों, तो जीरो बराबर के लिए है, जीरो से बड़ा के लिए कौन, एक्स है, तो एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स है जो के लिए, तो यहाँ पर क्या रखा है, एच रख दिया, यहाँ भी क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, लिमिट ऑफ एच टेन टू जीरो, यहाँ पर क्या हो गया, एच लिमिट बैठाए क्या हो जाएगा, जीरो, इसको समीकरण दो मान लेंगे। एंड फंक्शन ऑफ जीरो निकालो, एक्स की जगह क्या रख दिया है, जैसे यहाँ एफ एक्स है, यहाँ एक्स की जगह क्या होगा, जीरो, जब एक्स जीरो हो जाता है तो वैल्यू कितना आता है, वैल्यू कितना आता है, जीरो आता है, समीकरण तीन मानेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डिजिट, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डिजिट क्या देख रहा है, कि लिमिट ऑफ एच टेन टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेन टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो प्लस एच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ जीरो, और तीनों जब बराबर आता है तो क्या आता है, कंटिन्यूअस, इट शोज दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एक्स इक्वल टू जीरो, ओके, इसको नोट्स कीजिए, हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे, इसे समझ गया, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से बताना कमेंट सेक्शन में करके, ओके, और जो क्वेश्चन है आप बना सकते हैं, किसी भी बुक से बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बुक से बना सकते हैं, ये दो क्वेश्चन बताया गया है, एक क्वेश्चन फर्स्ट में आपको दिया गया है, उसको बना कर देखेंगे, ओके, नहीं बनेगा पूछ लेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।